ಮೈಸೂರು ಮಸಾಲೆ, ಬಾತ್ ಮಸಾಲೆ, ಪುಡಿ ಮಸಾಲೆ, ಚೀಸ್ ದೋಸೆ, ಪನ್ನೀರ್ ದೋಸೆ, ಓಪನ್ ದೋಸೆ, ಚಟ್ನಿ ರೊಟ್ಟು, ಪೇಪರ್ ದೋಸೆ, ಅನಿಯನ್ ದೋಸೆ, ಅವರೇ ಬೇಳೆ ದೋಸೆ, ದೋಸೆ ಅವರೇ ಬೇಳೆ ದೋಸೆ, ದೋಸೆ ಅವರೇ ಬೇಳೆ ದೋಸೆ, ದೋಸೆ. इतना साफ मैंने आज तक कभी स्ट्रीट फूड में इतना साफ सेटअप नहीं देखा. भुना हुआ जीरा और भाई ये आ गए इंदौरी सेव और ये हरिया धनिया. मुझे नहीं लगता था कि मैं भात डोसा जो है वो कभी ट्राई करूंगा. दूध के साथ एक्शन करके चिरोटी खिलाते हैं और कर्नाटका की बहुत ही ज्यादा फेमस है. पहले तो भैया वार्म अप कर रहे थे. अच्छा भारत मेरी जान के एक और जबरदस्त ताजा तरीन और नेक्स्ट लेवल के धारावाहिक में आपका स्वागत है. मैं हूं आपका अपना हरिया और भाई आपको तो पता ही है कि हम जा रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से अमृतसर. और फिलहाल कन्याकुमारी से अमृतसर जाते हुए हम रुके हुए बेंगलुरु में. और बेंगलुरु का जो खाना है भाई, रात का जो खाना है, लेट नाइट फूड. और मैं यहाँ पे खड़े होकर ये वाली इंट्रो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बेंगलुरु का ट्रैफिक बहुत मशहूर है. तो आज मैं आपको सब मशहूर चीजें दिखाने वाला हूँ बेंगलुरु की. ट्रैफिक, खाना, चटाकेदार स्वाद, जायके और बहुत कुछ. भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आ जाओ मेरे साथ आज नेक्स्ट लेवल के भी ऊपर. बेंगलुरु का ट्रैफिक वाकई बहुत खतरनाक है यार. हमारे होटल से निकलते ही मतलब बार बार कड्डे होते ट्रैफिक शुरू. अब इस ट्रैफिक का पार्ट हम भी हो गए. अभी हो रहे 8:32 कर ले हैं. अभी हो रहे 8:32 और भाई हम देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं. कितने बजे का अराइवल दिखा रहा है? 20 मिनट. अच्छा हम बीवीपुरम मार्केट में आए हैं और पूरा सराफा बाजार इंदौर वाली फील है. ऑब्वियसली सराफा बाजार तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, बट यहाँ पे भी वही वाली मिनी फील, माइक्रो फील बोल लो. ये देखो यहाँ से शुरू होता है इंजीनियरिंग बारबेक्यू और इधर देखो ये अपने मेवाड़ प्रेम जैसी आइसक्रीम है और इधर कुछ और दुकानें और आगे तक काफी आगे तक है. हर शहर में एक ऐसी गली होती है. अभी देखते हैं क्या क्या और कहाँ कहाँ पे है. सबसे पहले हम जिस जगह पे आके रुके हैं यहाँ पे ना नॉर्थ कर्नाटका के स्नैक्स है जो बहुत फेमस है. मैम नमस्कार, कैसे हैं मैम? मैम यहाँ पे क्या क्या है आपके पास? नॉर्थ कर्नाटका स्टाइल गिरमिट है, मसाला पापड़ है जी, और जोड़ रोटी, एनगाय पल्या जी. ये क्या है मैम? ये वो मसाला पापड़. और ये क्या है? गिरमिट. गिरमिट नॉर्थ कर्नाटका स्टाइल बेलो. अच्छा, और ये वो पड्डू है. पड्डू है. और इधर मसर कोट बड़ा. राइट. हाँ जी, कर्ड ड्रिंक. कर्ड ड्रिंक. अच्छा, तो ये जो है ये नॉर्थ कर्नाटका की भेल है. नॉर्थ कर्नाटका का सबसे बढ़िया ये है जी. तो बना के दिखाइए सर, कैसे बनाते हैं आप? एक बोल चुरमुरी लेना है जी. एक बोल चुरमुरी लेना है. सबसे पहले रेडी करके मसाला बना लेते हैं ना, उसका उसमें डाल देना है. अच्छा, मसाला रेडी करके लाते हैं. इसमें क्या क्या रहता है सर? इमली का रस रहता है और अच्छा. प्याज रहता है जी और गुड़ रहता है. अच्छा, इमली का रस, प्याज और गुड़. एक इन्होंने तड़का या एक जैसे एक है वो बना के रखा हुआ ऑलरेडी. और इसको फिर आप जब मिक्स करते हैं बस यही और ये दो चीज़ें मिक्स करते हैं आप. और ये नॉर्थ कर्नाटका में मतलब कौन सी एरियाज में फेमस है? धारवाड़, बेलगाम जी. अच्छा, बेलगाम. ओके, ये क्या है? पुटानिया का आटा. बेसन जैसा है? नहीं नहीं, बेसन नहीं. अच्छा, और एक उसको कडले पप बोलते हैं. और ये कोई आटा है जो बता रहे हैं कि बेसन जैसा है जी, फ्राइड ग्राम का. और इसमें ये हरिया धनिया और साथ में प्याज और टमाटर. और ये आपकी नॉर्थ कर्नाटका स्टाइल की जो भेल है, हिरमिट है, ये रेडी है भाई साहब. और बहुत कमाल लग रही है. मेन तो जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, वो जो एक रस्सा जो बना के लाए हुए हैं घर से, वो कमाल लग रहा है. और इसके अंदर ये आ गए गाजर और साथ में ये प्याज और ऊपर से भाई साहब ये सेव और ये साथ में हरिया धनिया. ये आज का हमारा स्वाद बटांदरा नंबर पहला. पहले तो भाई मैं नाम भूल जाता हूँ यार, भुलक्कड़ आदमी हूँ, बुढ़ा हो गया हूँ, इसलिए नाम भूल जाता हूँ, तो माफ करना. हियर इज बाइट. वो जो मसाला लेके आए हो ना भाई, सारा जादू उसका है. कड़ी पत्ता उसमें भी है. सोचो जैसे एमपी में पोहा की चाट मिलती है ना दोपहर को, ये वैसा वाला टेस्ट आ रहा है. टेस्ट कमाल है. साथ के साथ ही हम आ गए एक ऐसी दुकान पे जहाँ पे हम बनवाने वाले हैं चाट. पर यहाँ पे भैया होता क्या क्या है? वैरायटी चाट. अच्छा, वैरायटी कौन कौन सी है दिखाइए, कौन कौन सा है?
नाचो चाट है, पालक चाट है, ये कौन सी है? फ्रेंच फ्राइज चाट। अरे वाह क्या बात है। ये बास्केट चाट है और राज कचोरी है। और ये क्या है सर? दही पापड़ी चाट। दही पापड़ी। तो आपकी सबसे स्पेशल वाली कौन सी है? पालक चाट, नाचो चाट। पालक चाट और नाचो चाट। हम तो खाएंगे भाई साहब पालक वाली चाट। जो पालक पत्ता चाट है उसके लिए पहले तो पालक के पत्ते के जो पकौड़े हैं उनको फ्राई किया जा रहा है। और भाई मैं माफ़ी चाहूँगा, आज मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, तो यार थोड़ा प्लीज़ बेयर विद मी करना। ये बेसन का आपने बैटर लगाया हुआ है, उसमें मसाला भी है कोई? मसाला डलेगा। अच्छा मसाला उधर डलेगा, ओके। तो ये देखो भाई साहब जी, भैया एक अच्छी बात यह है कि तेल में ना दिख रहा है रंग, नहीं तो हर जगह पे काला तेल नजर आता है। आपके यहाँ एकदम फ्रेश तेल नजर आ रहा है। तेल कौन सा है? सरसों का है, रिफाइंड ऑयल है। ये बढ़िया बात है कि यहाँ पे आपको तेल का रंग और इसके थ्रू आपको मेटल दिख रहा होगा, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है यार। और ये देखिए, ये आ गए आपके पालक के पत्ते के पकौड़े। अब इसकी चाट बनवाते हैं एकदम फ्रेश। इतना साफ मैंने आज तक कभी स्ट्रीट फूड में इतना साफ सेटअप नहीं देखा है। कस्टमर आता है जी, कस्टमर साफ सफाई देख के आता है, कमाल है यार, बहुत बढ़िया। और एकदम हाइजीनिक सब कुछ, मतलब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा तुक्का भी नहीं है। ये क्या क्या डाल रहे हैं भैया? मसाला है जी, पेरी पेरी मसाला, पेरी पेरी मसाला है। इसमें लाल मिर्च लग रही है, तो मसाला बना हुआ है। अच्छा ये भी मसाला है? हाँ, मैक्सिकन सल्सा। ये भाई साहब मैक्सिकन सालसा बना के रखा है, एकदम ही अलग किस्म की चाट हो गई है, कमाल है यार। कितने साल से कर रहे हैं आप? 5 years। 5 years से? वाह भाई, 5 साल से ये काम कर रहे हैं और तब तो एक्सपर्ट हो गए हैं। और ये चीज़ सीख ली है कि कस्टमर सफाई देख के आता है। नैचोस। अच्छा नैचोस भी साथ में? तो ये आ गए जी नैचोस, और नैचोस का चूरा है उसको क्रश करके डाल रहे हैं ताकि अच्छा फ्लेवर आए। और जब मैक्सिकन सालसा और नैचोस मिलते हैं तो भाई वैसे ही कमाल हो जाती है। ये हरी चटनी पुदीने की है सर? धनिया की है? धनिया पुदीना मिक्स है। और ये आ गई दही, एकदम फ्रेश गाढ़ी दही है। और इसके साथ ये इमली की चटनी, इमली की है सर या अमचूर की है? इमली की चटनी है। ये आ गया जी चाट मसाला, और इसके साथ ये जीरा, भुना हुआ जीरा। और भाई ये आ गई इंदौरी सेव, और ये हरिया धनिया। भाई मैं सोच रहा था बेंगलुरु में चाट तो आम ही होती होगी, सब जगह मिल ही जाती है, बट यहाँ पे इन्होंने ना ये मैक्सिकन सालसा और नैचोस डाल के चाट का भी ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है। ऊपर से ये मेयोनीज भी डाल दी है। वाह। और ये क्या है सर? पीनट। अच्छा पीनट्स हैं। और इसके साथ ये आ गई जी कॉर्न। भाई ये ऊपर से एक मसाला आया, एंड साथ में ये क्या है सर? नमक मसाला है। और ये डाल के और आपकी चाट जो है कमाल की रेडी है। कितने की है सर ये? 8 rupees। और आपकी लोकेशन क्या है? बीबीपुरम पुरी स्ट्रीट। नाम दुकान का? राम टिफिन सेंटर जी। और टाइमिंग्स आपकी? 4 o'clock से 12:30। शाम को 4 बजे से रात को 12:30। 12:30। ठीक है सर, थैंक यू। ये हम ट्राई करते हैं यहाँ से पालक पत्ता चाट जो है, इसकी एक बाइट लेते हैं। बहुत कमाल लग रही है, मेरा मन नहीं कर रहा उठाने का, नहीं तो फूल जो है वो टूट जाएगा, बट ट्राई तो करना ही पड़ेगा। हियर इज अ बाइट। भाई ने सालसा डाल के ना चाट का कुछ और ही लेवल बना दिया। बहुत डिफरेंट है यार, स्वीट कॉर्न पीनट्स, ये तो एकदम ही अलग है भाई। और नाचोस और सालसा और साथ में दही, भाई कमाल कर दी यार। इतना बढ़िया कैसे? कहाँ से सीखा है आपने? सीखा कहाँ से आपने? इधर ही 10 years हो गया काम करते करते चाट का, वैसे आगरा से हूँ। अच्छा आगरा से हैं आप? भाई 10 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, वैसे आगरा से हैं, बट भाई जो चाट बनाई है धज्जियाँ उड़ा दी यार। आज सर गोलगप्पे डिफरेंट डिफरेंट गोलगप्पे पानी पे। कौन कौन से डोसा बना रहे हो? अरे बेड़े डोसे डोसे, अरे बेड़े डोसे डोसे, अरे बेड़े डोसे डोसे। मसाला डोसा, चीज डोसा, पूरी डोसा, भात डोसा, पनीर डोसा, ओपन डोसा, सब में घी? हां सभी घी, सभी का घी। सही है भाई। भाई सर डोसे, भात डोसे, पूरी डोसे, भात डोसा। अरे भाई भात डोसा। और ये कौन सा है? ये कौन सा है? अरे बेड़े डोसा गन पिंकी डोसा। अच्छा पिंकी डोसा, फायर डोसा, फायर डोसा। yes. साथ में चटनी और भाई सांभर। और ये भात डोसा है, ये भाई पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पे इन्होंने भात डोसा बना दिया है, कमाल ही है यार एकदम। ये देखो और ऊपर से घी, कमाल है। भात डोसा, भात डोसा। yes. चावल डाल के, वाह। अभी कौन कौन से बना रहे? मैसूर मसाले, भात मसाले, पूरी मसाले। फोकस फोकस फोकस।
फोकसफुल भात दोसे पुड़ी दोसे मैसूर दोसे ओपन दोसे चटनी रोस्ट पेपर दोसे अनियन दोसे अवरे बेले दोसे दोसे अवरे बेले दोसे दोसे अवरे बेले दोसे दोसे सही है भाई, बहुत कमाल। अच्छा ये वाला कौन सा है? ये वाला अवरे बेले दोसा। कौन सा? खाली दोसा। खाली दोसा, खाली खाली दोसा। यस। अरे भाई, पर ये साइज तो छोटा है। ए कल वो बच्चा है, खाली का बच्चा है। ये देखो ऊपर से रिफाइंड और घी जो है भाई, दोनों भर के। और भैया आपको घी घी डालना अच्छा लगता है? हाँ। नाइस डोसा। सही है। वन तिंदुड़ी यार सीन आता क्या? इसका समझ में नहीं आया मुझे। सुन के अच्छा लगा। ये कावा है बाबा दा। तावरे पहले डोसे आपको भैया को। ये आपने जो स्लोगन बनाया अपना, ये कितना साल प्रैक्टिस किया इसके लिए? ये देखो भाई क्या 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 हिंदी नहीं आता भाई। अच्छा हिंदी नहीं आता, अच्छा अच्छा, जो आपने जितना बोला उतना मुझे समझ में आया। ये बैक टू बैक यहाँ पे डोसे फ्लिप हो रहे हैं। एक भात डोसा बनाइए ना। ये देखो अभी तीन चार तरीके के जो है डोसे बनके तैयार हो रहे हैं। और आपका यहाँ का जो स्पेशलिटी है मुझे लग रहा है वो भात डोसा है। ये कब बनाया? When did you make it? ये कब बनाया? बनाया नहीं भाई, समझाओ ना, ये गाना कब बनाया? ये गाना कब बनाया? ये भात डोसा है? सुन के अच्छा लगा। सुन के अच्छा लग रहा है बस। ये भात डोसा है? ओके, सो ये भात डोसा भाई, घी डाल के ऊपर मसाले डाल के और आलू डाल के। हाँ ये पहले तो भाई मसाला जो है उसको मिक्स कर दिया है। ओ ये भात आ गया। ये लेमन राइस है? लेमन राइस, और इसमें मिर्ची भी है, मटर भी है और पीनट्स भी है। चटनी पाउडर। और ये आ गया जी पोड़ी, पोड़ी पोड़ी आ गया साथ में। और ये देखो भाई, अब आज सब तरफ से डोसा जो है वो भीग गया है घी में। और वाइब कमाल है यार यहाँ की। ये क्या है भैया? भाई यहाँ पे तो ना ऐसा लग रहा है अगर मैं कैमरा मूव करूंगा तो एक्शन मिस कर जाऊंगा। बहुत कमाल वाइब है। मास्टरपीस भैया। ये क्या है? मास्टरपीस भैया। अरे बेले डोसा। कौन सा वाला? अरे बेले डोसा। अरे बेले डोसा, ओके भाई। स्टाइल है यहाँ पे दुकान में। दुकान का नाम? वसवी मने तिंडी। ओके, किधर है बोर्ड भाई? ये बोर्ड है और ये हम है। और ये देखो कमाल है। और ये भी ऊपर से भर भर के तेल भाई साहब। सभी की है, सबकी तेल कमाल है। और ये अपना भात डोसा जो है ये बन के तकरीबन तैयार है। हाँ और ये फ्लिप, और अभी देखते हैं इसके साथ क्या देते हैं। ओ नारियल चटनी, ग्रीन चटनी। और ये अवरे बेले सांबार। सांबार अवरे बेले? यस अवरे बेले सांबार, ग्रीन दाल सांबार। अरे वाह कमाल है। ये रेडी है और अभी ये ट्राई करते हैं। भाई साहब सब तरफ से गिर रहा है। तो भाई साहब बहुत तरीके के डोसे खाए हैं इस ट्रिप पे, पूरे 10,000 किलोमीटर करके जाएंगे कश्मीर टू कन्याकुमारी। बट भाई मुझे नहीं लगता था कि मैं भात डोसा जो है वो कभी ट्राई करूँगा। एकदम गर्मा गर्म धुआंदार ये भात डोसा है। इसके अंदर शिमला मिर्च है, साथ में हरी मिर्च भी है और कढ़ी पत्ता है, मटर है, पीनट्स हैं, राइस है, राई है और साथ में भाई साहब वो आलू का मसाला है जो बेस में था। एंड इसको ट्राई करते हैं यहाँ से।
भाई बहुत हैवी ड्यूटी लग रहा है, हाथ में पकड़ के ना फील हो रहा है कि काफी वेट है डोसे का। श्योर इज अ बाइट, इसको ये डिप करते हैं सांभर में एंड श्योर गोस्ट। ये पता कैसा है, वो एक एपिसोड में मैंने राइस खाए थे ना, अगर आपको याद हो तो नाश्ते में राइस खाए थे, बैंगन वाले राइस, ऐसा लग रहा है डोसा और उस राइस का कॉम्बिनेशन है। कमाल मसाले हैं, नारियल के तेल का टेस्ट है, देसी घी का टेस्ट है, पीनट्स का क्रंच है, और भाई राइस ने जो सारे फ्लेवर्स को ऐसे खींच लिया अपने अंदर, जबरदस्त है भाई साहब। भात डोसा है, भात डोसा है, मुझे लगता नहीं था इतना अच्छा होगा, कमाल है, मजेदार है। आगे चलते हैं, इधर चलते हैं, इधर देखो यहाँ पे हमने देखा साउथ इंडिया में पूरन पोली को क्या स्वीट बोली कहते हैं, स्वीट बोली। और ये क्या है सर? वो दाल वाला, ये दाल वाला जो अंदर का पूरन है ये पूरन कहते हैं इसको, यहाँ पे क्या कहते हैं अंदर? हाँ, वो दाल और गुड़। दाल और गुड़, और बाकी कौन सा ऑप्शन है? वो मैदा और चिरोटी, मैदा और चिरोटी, ये ऐसा कुछ लगेगा। कोकोनट जी, ये स्वीट खोवा जी, ये स्वीट खोया। अच्छा, ये खोया वाला और कोकोनट वाला है, ये दाल वाला, ये दाल वाला है। तो अभी सबसे स्पेशल कौन सा आपका? बेस्ट वाला, ये दाल वाला। दाल वाला तो बना के दिखाओ। जैसे पूरन पोली तो जो है वो बहुत ही ज्यादा पतली होती है, उसकी लेयर बहुत पतली होती है। ये देखो यहाँ पे, ओ ये तो ऑलमोस्ट जेली के जैसा, जैसे वो होता है ना मैदा, मैदे का बैटर जो डो है मैदे का, वो एकदम जेली जैसा है। तो यहाँ पे भी लेयर एकदम थिन आएगा, ऊपर ये प्लास्टिक लगा के और इसको एकदम फ्लैट कर लिया है। और भाई ये तो स्वीट बोली ऑलमोस्ट ट्रांसलूसेंट है, इस सी थ्रू हो गया है। तो आप इसके बीच में से देख, ओ वाह, ओ भाई ये तो कमाल ही हो गई है यार, ऐसा तो सोचा भी नहीं था मैंने, बहुत कमाल है ये तो। आप हिंदी समझते हैं? नहीं, इंग्लिश थोड़ा भी नहीं, ओनली कन्नड़ा। ओके, आई लव कन्नड़ा बट आई कांट टॉक। तो इधर देखो, ये स्वीट बोली जो है ये बन के तैयार हो रही है। और भाई साहब ये लग रही है हमारी प्लेट, सबसे पहले तो ये आगे पूरन पोली या यहाँ के हिसाब से होली गए, और ये रेडी है जी। कितने का ये? 20 रुपए का, ये 20 रुपीज़ की है। और यहाँ पे जब भी आप आओ ट्राई करो, आपको बताते हैं इसका स्वाद कैसा है, एकदम गर्मा गर्म। ओहो हो हो, ये है आज का हमारा स्वाद वटांदरा, और एकदम गर्मा गर्म है। थोड़ी प्लेट से खींचना, ये मस्त है। हियर इज अ बाइट ऑफ द स्पेशल होली गे, जिसको हम पूरन पोली की छोटी बहन बोल सकते हैं। हियर गोस। टेस्ट में डिफरेंस है ऑब्वियसली, क्योंकि जो पूरन पोली होती है वो आटे की होती है, मैदे की है, बट बहुत कमाल है। अगर आप पूरन पोली को मिस कर रहे हो, यहाँ पे आके ये ट्राई करो, बहुत कमाल है। अभी हम टहलते टहलते वीवीपुरम में आ गए, श्री स्वामी भज्जी सेंटर पे, बहुत ज़्यादा फेमस है ये, और यहाँ पे काफ़ी टाइप्स की भजियाँ जो है वो मिल जाती हैं। सर नमस्कार, कौन कौन से टाइप की भजी है यहाँ पे? कैप्सिकम, चिल्ली, बनाना जी, पाइनएप्पल, आलू बंडा वड़ा, मंगलोर भज्जी जी। एक बार दिखाएंगे कौन कौन सी, ये कौन सी है? आलू, आलू है, और ये ऊपर ये पाइनएप्पल, ये पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल जी जी जी। एक मिनट अंदर से दिखाता हूँ, एक सेकंड स्टेप कर सकता हूँ, आ जाओ। पाइनएप्पल वाली दिखाइए, ये ब्रेड है जी, पाइनएप्पल वाला कौन सा है जी? ये है जी पाइनएप्पल वाला। तो सोनो हमने कौन कौन सा लगवाना है? तो एक कैप्सिकम, एक मिर्ची और एक पाइनएप्पल लगा दीजिए। ये देखो अभी कैप्सिकम वाली जो है वो काट रहे हैं, और ये ऑलरेडी रेडी कर रखी है, बट भाई एकदम गर्मा गर्म है, और साथ में चटनी डाल के, और ऊपर से ये एक मसाला, और भाई सलाद तैयार है, नींबू भी डाल दिया ये आगे एक प्लेट के अंदर, और साथ में ये सलाद, सलाद में भाई साहब हरिया धनिया प्याज और गाजर है। ये लग रही है जी कैप्सिकम वाली, मिर्ची वाली, और ये पाइनएप्पल भजी जो है इसको साइड से स्लाइस करके, ओ क्या बात है यार। बैंगलोर में यहाँ पे आपको इस तरीके की भजी मिलेगी जो आपने कहीं और नहीं खाई होगी, और चटनी और ये मसाला डाल के, और ऊपर से नींबू, कमाल है, और साथ में ये सलाद, और ये रैप, भाई ये सैंडविच बना दिया इसका तो, कमाल है। ये काट के, बहुत बढ़िया यार। एंड दुकान का नाम क्या है सर? श्री स्वामी भज्जी सेंटर, राइट। एंड आपकी टाइमिंग क्या है? 4:30 टू 12:30 ओपन, 12:30 एंड क्लोज। ओके, 4:30 ओपन, 12:30 क्लोज, और भाई ये रेडी।
और ये आपकी कैप्सिकम वाली और मिर्ची वाली जो है वो आ रही है, इनका क्या प्राइस है, इसका क्या प्राइस है? कैप्सिकम एक कैप्सिकम 40 रुपीज़, अच्छा पाइनएप्पल भाजी एक 40 रुपीज़, पाइनएप्पल और कैप्सिकम दोनों 40-40 है। हम यहाँ से ट्राई करने वाले पाइनएप्पल वाली भाजी, बहुत कमाल लग रही थी तो मैंने सोचा ये तो ट्राई करनी बनती है। ये कैप्सिकम वाली तो कल करी थी बट आज ये करते हैं पाइनएप्पल, सलाद डाल के, मसाले डाल के, चटनियाँ डाल के पाइनएप्पल के ऊपर। पाइनएप्पल वाला पिज्ज़ा तो भाई साहब बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोवर्सी में रहा है, बट ये पाइनएप्पल भजी और यहाँ पे लोगों को बहुत पसंद है। भाई साहब ये जो पाइनएप्पल भजी है ना, ये सिर्फ साउथ में बन सकती है। अगर हम अपने वो नॉर्थ वाले पाइनएप्पल के साथ ही बनाएंगे तो कुछ और ही बन जाएगा। ये मीठा पाइनएप्पल है, बहुत अच्छा है, इसकी वजह से भजी अच्छी है। बट भाई जो हमारे वहाँ पाइनएप्पल मिलता है ना, उसकी भजी मत बनाना यार। ये है मिर्ची वड़ा, एकदम गर्मा गर्म धुएं मारता हुआ और इसके अंदर भी सेम ट्रीटमेंट। पहले ये चटनी, पुदीना चटनी, पुदीना चटनी, उसके बाद ये मसाला, स्पेशल मसाला, ये पेरी पेरी है स्पेशल, अच्छा स्पेशल पेरी पेरी, वाह। और इसके साथ ये नींबू की खटास और भाई साहब साथ में सलाद का क्रंच और मिर्ची जो है पूरी भर दी है। ये जैसे जोधपुरी मिर्ची वड़ा होता है, ये उसके उसका एक ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन है, ये उसका एक मॉडिफाइड वर्जन है। और भाई ये रेडी है और ये एक प्लेट में दो आता है, एक प्लेट में दो एंड 40 रुपीज़ का, 40 रुपीज़ की प्लेट है। और ये तो भाई साहब बहुत ही कमाल लग रही है, मिर्ची वड़ा मॉडिफाइड वर्जन राइट हियर इन बेंगलुरु एंड हियर इज अ बाइट। ये सबसे कमाल है भाई। एक तो मिर्ची का स्वाद, ऊपर से अंदर जो चटनी डाली उसका स्वाद, और जो बेसन है भाई साहब उसमें भी क्या जबरदस्त मला हुआ है, नमक और साथ में मसाले डाल के, हरिया धनिया, गाजर और जो सलाद है उसके साथ जब नींबू आया, जान लेवा भाई। सबसे बेस्ट यही है, इस गली में आते हो, इस मार्केट में आते हो तो मिर्ची वड़ा, ये जो मिर्ची का पकौड़ा है ये जरूर ट्राई करना। आप बोलोगे हरिया भाई तो कमाल है। दूध के साथ एक्शन करके चिरोटी खिलाते हैं और कर्नाटका की बहुत ही ज्यादा फेमस है, जैसे खाजा मिठाई होती है वैसे ही यहाँ पे कर्नाटका में चिरोटी मिलती है, और जैसे आलू पफ होता है या पैटी होती है उसका इंडियन वर्जन है। और इसके अंदर ये चीनी डाल के और दूध के अंदर पता नहीं काफी सारे मसाले हैं जिसकी वजह से दूध का जो रंग है एकदम बढ़िया केसरी हो गया है। सर नमस्कार, कैसे हैं सर? आप किधर से हैं? राजस्थान के। राजस्थान से? अरे वाह, राजस्थान में कहाँ से? पाली। हाँ जी पाली से, कमाल है। और यहाँ की जो आपकी चिरोटी है ये किधर की डिश है? ये कर्नाटक का डिश है, कर्नाटका का ही है जी। तो कैसे बनाते हैं दिखाइए एक बार। ये दूध को कढ़ाई के ऊपर उबाल रहे हैं और धीमी आंच पे एक दूध जो है वो खोल रहा है, और इसके एक मग्गे के अंदर चीनी डाल के और दूध के अंदर मुझे लग रहा है कुछ मसाले हैं। सर क्या क्या है मसाले इसमें? मसाला रहता है, इलायची, बादाम, केसर। अरे वाह, ये तो भाई साहब पूरा एक्शन पैक दूध है, और इसको मिक्स करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उछाल रहे हैं ताकि चीनी इसके अंदर तक, इसके घुटनों तक पहुंच जाए। और ये क्या है सर? ये चिरोटी है। चिरोटी ये क्या होता क्या है? ये बोलते हैं खाजा रहता ना। हाँ जी, खाजा, 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 खाजा का जैसा, खाजा मिठाई जैसा होता है अपना। अच्छा ये वैसा है, और एक बार दिखाएंगे, बड़ा पीस दिखाएंगे इसका। ये देखो खाजा मिठाई जैसा है, और इसको क्रश करके और इसके अंदर क्रश करके दिखाइए भाई साहब। इसके तो तन बदन में सारी सब तरफ से आवाजें आ गई हैं, और ये ऊपर से ये अच्छे से फहराया हुआ दूध जो है वो डाल दिया है केसर, और ऊपर से भाई ये आ गई पूरे इंडिया की फेवरेट मलाई, कमाल है। और ये कितने की है सर? 70 का। ये 70 रुपए का, ऊपर से बादाम जो है वो क्रश करके डाले हैं, और ये रेडी है। ये कहाँ पे आप लोकेटेड, कहाँ पे, एड्रेस क्या है आपका? ये वीवीपुरम स्ट्रीट में लास्ट कॉर्नर। अच्छा, सरस्वती विद्या मंदिर इस स्ट्रीट में, वीवीपुरम में लास्ट कॉर्नर जो है वो आपका है, और इस दुकान पे आपने आना है जब भी आप आएँ। और ये है भाई साहब आपके यहाँ की स्पेशल चीज़ जो आपको यहाँ पे खानी चाहिए, ये है यहाँ की स्पेशल चिरोटी। और भाई आज फिर लकी देखो हम कितने हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही कमाल की जो चीज़ है वो हमें खाने को मिल रही है। एंड ये ओ भाई ये तो गिर रही है। तो भाई साहब हियर इज अ बाइट ऑफ द चिरोटी, हियर गोज। भाई जैसे चाय के साथ फैन लेते हैं जो टेस्ट आता है ना, वो पफ का और साथ में चाय का,
इसमें ऐसा लग रहा है चाय में इलायची और केसर और ये सब डाला हुआ, पत्ती निकाल दी है और इसके साथ चिरोटी दी है, कमाल। फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त है और इसमें जो जितना फ्लेवर था वो पफ ने, वो चिरोटी ने सारा सोख लिया है और उसका जो खस्तापन है वो बहुत बढ़िया लग रहा है। इलायची का फ्लेवर आ रहा है, केसर का फ्लेवर आ रहा है। आप जब भी यहाँ पे आओ ये ट्राई करना, मजेदार है। बेंगलुरु आए और यहाँ पे गोभी मंचूरियन ना खाया तो आपका जो सफर है ना वो फिर अधूरा रह जाएगा। तो हम यहाँ पे ट्राई करने वाले गोभी मंचूरियन, इधर ये फ्राई करके ऑलरेडी रखे हुए हैं। यहाँ भी तेल जो है ठीक ठाक साफ लग रहा है भाई मुझे। ये कॉर्न फ्लावर या कॉर्न स्टार्च डाल के और इसको एकदम क्रिस्पी कर देते हैं। और इधर भाई अब आपको दिखाते हैं कि ग्रेवी कैसे बनती है, इनका वोक रेडी है। सबसे पहले तो तेल आ गया है और ये क्या है सर? ऑयल। अच्छा, तेल के बाद ये प्याज और साथ में शिमला मिर्च, कैप्सिकम, कौन सा वाला, चिली, जिंजर गार्लिक पेस्ट आ गया। और उधर देखो गोभी रेडी हो रही है, बना रखा है। क्या है सॉस? इसमें क्या क्या है? सब कुछ, सोया सॉस और वो सब। अरे वाह, इसमें और पड़ेगा। हाँ, इसमें और पड़ेगा, और पड़ेगा। ओके, इसमें एक सॉस है जो प्रिपेयर करके रखी है इन्होंने, जिसमें मुझे लग रहा है चिली सॉस और सोया सॉस और विनेगर सब कुछ है। ये ब्लैक पेपर आ गया, ये आ गया जी, साथ में व्हाइट पेपर और इसके साथ ये सॉल्ट। और भाई अब ये सिरका, ग्रीन चिली और ये ग्रीन चिली सॉस भी मुझे लग रहा था उसमें ऑलरेडी है, ये सोया सॉस। अच्छा, केचप भी है। तो वो जो सॉस आपने वो डाली है उसमें क्या था? हाँ? वो जो सॉस आपने डाली है उसमें क्या था? हाँ? नॉर्मल सब मिक्स है। हाँ। अच्छा, और अलग से भी है। हाँ। अरे वाह, क्या बात है। ये क्या है सर? रेड कलर। अच्छा, ये रेड कलर है, ये थोड़ा रंग बिरंगी गोभी करने के लिए रेड कलर भी डाल दिया है। और ये देखो भाई, अब तो पूरी ग्रेवी जो है वो बोल उठी है। ये हरिया धनिया और ये गोभी आ गई है भाई, ग्रेवी निकाल दी और गोभी आ गई। और अब इसको अच्छे से गर्म कर लिया जाएगा और ये अब ताबड़तोड़। पहले तो भैया वार्म अप कर रहे थे, वर्कआउट तो अब शुरू किया। ये आपकी बेंगलुरु स्पेशल गोभी मंचूरियन जो है वो रेडी है और ये आ गया प्लेट के अंदर, कमाल। और ये कितने का है सर? 70। ये है जी 70 रुपीस का। और ये ऊपर से प्याज, ये हरिया धनिया और ऊपर से टूथपिक, क्योंकि भाई खाने के लिए आसान रहेगा, लगे हाथ स्वाद बटांदरा फटाफट से। ये आ गया जी एकदम गर्मा गर्म और मुझे डर लग रहा है बट मुंह में पानी भी आ रहा है। Here is a bite. बहुत टेस्टी है। कच्चा प्याज और धनिया डाल दिया ना, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। प्याज और धनिया डालने का तरीका थोड़ा कैजुअल है बट मजा आ गया भाई साहब। पहली वाली बाइट जो है ना बहुत गर्मा गर्म निकल गई थी, ये थोड़ी ठंडी वाली। गोभी मंचूरियन is 1000 times better than normal manchurian. Agree? ये debate होती है लोगों में. Trust me, जिसने एक बार अच्छा गोभी मंचूरियन टेस्ट कर लिया ना, वो बंदा दोबारा मंचूरियन की तरफ नहीं जाएगा। सही बात है। नहीं मैं बोल रहा हूँ लाइक कर दो। Okay, done.